पार्वती क्या है? जरा यहाँ आओ ना प्लीज। चलो चलते हैं। क्या बात है बोलो? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो मुझ पर? हाँ तो अब तक तुम 15 बार बुला चुके हो और कुछ करते ही नहीं। वैसे मैं यही ये वो कहकर खींचो मत। क्या बात है वो बताओ। वही तो, मुझे तुम्हें मैं हमारा एक लल्ला हाँ गुड़िया होगी तो भी चलेगा, तुम जैसा कहोगी वैसा होगा। क्या कहती हो? मूवी के अंदर तो तुमने सीधा हीरो का रोल मांग लिया है, पर नागराज के बारे में तुम नहीं जानते। अपने नागराज को अभिनय बहुत पसंद है। मुझसे शादी करने वाला अभिनय में महारथी होना चाहिए, वो ठान कर बैठा हुआ है। विरासत में उसे भी कुछ मिलना चाहिए ना, इसीलिए पहले अभिनय सीखो। कमाल है, अभिनय, नागराज, ये सब क्या है? वैसे मानी या नहीं मानी? उसने ऐसा कहा मतलब वो मान गई। आकाश की गोद में जैसे बादल खेलते हैं, तुम्हारी गोद में भी वैसा ही लग रहा है। अच्छा बात क्या है? अच्छा पार्वती तुम्हें एक बात कहूँ क्या? क्या है? देखो गुस्सा मत होना, पहले ही बता रहा हूँ। क्या है बोलो। जब देखो यही सारे ड्रेस पहनती हो, जरा शहरी लड़कियों की तरह। हाँ, शहरों की तरह। अरे मतलब वही शॉर्ट्स, छोटे कपड़े। हाँ, और क्या कहते हैं, अलग अलग तरीके के। सच में तुम्हें बहुत सूट करेंगे। अच्छा साहब की इच्छा है ये? ये सब मुमकिन नहीं है। लवर्स के बीच में बहुत सारी इच्छाएं होती है, ऐसा कहोगी तो कैसे चलेगा? हाँ? सुनो अब बहुत हो गया, चलो। अच्छा खासा बता रहा हूँ तो मानती नहीं। पॉश और शहर की ड्रेस कहाँ देख लिया तुमने? मूवीज में नहीं देखती हो क्या? क्या टाइम पे आया है। हो गया। तुम तो जानते ही हो ना, दारू चिकन को देख के रुक नहीं पाता हूँ। कुछ जरूरी बात है कह रहे थे? अरे हाँ वही बात बताने आया हूँ। आज साइट पे जहाँ काम चल रहा है वहाँ पुरातत्व काल की एक मूर्ति बाहर निकली है। क्या शिवजी की थी? हाँ एक मिनट, ये है वो मूर्ति। ये पुरातत्व काल की बहुत ही महिमाशाली मूर्ति है। आज से 30 साल पहले इस मूर्ति के बारे में एक मैगजीन में आया हुआ न्यूज है ये। पुणे के प्रकाश भाई को फोन करेंगे तो क्या मिलेगा? 30 करोड़। हाँ वेंकट, क्या कहा 30 करोड़? हाँ पर अब पर क्या? कल पुरातत्व वाले साइट पे आ रहे हैं, जब उन्हें मूर्ति की कीमत पता चलेगी तो उसे ले जाएंगे। ऐसे कैसे, देखते देखते 30 करोड़ हाथ से निकल जाएगा? इस मूर्ति के बारे में किसी को पता ना चले इसलिए सरकारी स्कूल में छिपा दिया है। मतलब जो भी कुछ करना है आज ही रात करना है। समझ में आ गया। भाई कम से कम इस बार तो काम हमें दे दो। तुम्हें क्यों काम दे दूं? हाँ बताओ क्यों दे दूं? जो काम गधे का है उसे गधे को ही करना चाहिए, समझ गया ना? हाँ। तुम सबका काम धमकी देना है, चोरी करना नहीं, समझा कि नहीं? हाँ समझ गया, ठीक है। भाई हाँ नमस्ते, क्या वो अर्जेंटली बुलाया? हाँ शिवा, तूने कहा था ना तुझे कोई बड़ा काम करना है। बड़ी डील है, तेरा हिस्सा होगा 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए? करोड़ रुपए? करोड़ रुपए? बाप रे,
करोड़ का नाम सुनते ही इनका मुंह सूख गया। पता नहीं भाई ने ये काम इनको क्यों सौंपा। मुझे तो लगता है कि भाई के दिमाग में कीड़े घुस जाते हैं। हाँ भाई। हाँ? तूने शक्ल ऐसे क्यों बना ली? नहीं कुछ नहीं भाई। शिवा, वो सब तो ठीक है, लेकिन भगवान को, वो भी शिवजी को चुराना, जरा सोच लीजिए भाई। लिंगा भाई, तुम्हारे शिवजी ही हमारी किस्मत बदलने आए हैं, ऐसा सोचो ना भाई। मंदिर से मूर्ति चुराना गलत हो सकता है, लेकिन किसी और को मिली है तो उससे चुराने में बुराई क्या है भाई? शिवा, वो अरे बात भाई, तुम ही तो कहते थे ना कि शिवजी की आज्ञा के बिना एक चींटी भी नहीं हिलती। ये आज्ञा भी तुम्हारी शिवजी की है, समझो। सही कहा ना भाई? ए शिवा। हाँ भाई, सही कहा तूने, बढ़िया बोला। ठीक है भाई। ये ले एडवांस, अब जा। हाँ ठीक है भाई। परफेक्ट है, ओनली वंस। अरे दोस्त। हाँ दोस्त, जल्दी। ए लड़के। हाँ? कहाँ जा रहा है इस समय तू? इस बुढ़िया को सब जानना होता है। वैसे भी बाहर जाते समय कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ये बोलकर टोकना नहीं चाहिए, समझे? दोपहर में जाता है तो पूछती हूँ क्या? इस समय जा रहा है इसीलिए पूछ रही हूँ बस, पता नहीं कौन सी मुसीबत साथ ले आएगा। बुढ़िया, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहा है? मैं क्या मुसीबत लेकर आऊंगा बूढ़ी, यहाँ तुम अकेली रहती हो, कोई साथ में भी नहीं है, इसलिए मैंने कुछ सोचा है। क्या सोचा है? पड़ोस के गांव में दादाजी रहते हैं मेरे, लेकर आऊंगा, साथ में रह लो। चुप कर बदमाश, मेरे साथ होशियारी दिखा रहा है। अरे तुम्हारे साथ क्या होशियारी दिखाऊंगा, अच्छे से तुम्हारे साथ में रहेंगे दोनों मिलकर, छई छप्पा छई छप्पा के छई, ऐसा करते रहना। क्या कहती हो, लेकर आऊं क्या? लेके आता हूं, अब मजा आएगा बुढ़िया को। हैं, ये क्या, ये लड़का साथ रहने की बात कर रहा है। ए, तू यहीं पे रुक। हाँ। मैं यूं गया और यूं आया, ठीक है ना? ठीक है। जो स्टॉक आया था वो लिख लेना, कस्टमर आया है। एक ऑर्डर देना भाई को, एक क्वार्टर दो भाई, एक ऑर्डर दो ना। वरुण को एक क्वार्टर दो। ए, है? क्या दे रहा है तू, कितनी उम्र है तेरी भाई? हा? वैसे भी बच्चों को शराब नहीं देनी चाहिए, जानता नहीं है क्या तू? हाँ, दोबारा अगर बच्चों को शराब देते हुए दिखा ना तो शॉप बंद करवा दूंगा तेरी। अच्छे से सबक सिखाओ इसको। मुझे एक क्वार्टर दे। हाँ, लगता है वहाँ पर कोई झगड़ा करके आए हो तुम। अरे क्या बताऊँ यार, बच्चों को दारू बेच रहा है इसलिए झगड़ा करना पड़ा। तुम लोग जारी रखो। हेलो। हाँ पार्वती, क्या हुआ? मच्छर कितना है? बहुत खुश लग रहे हो। हाँ, क्योंकि कल से हमारी जिंदगी बदलने वाली है। अच्छा, बात क्या है? है ना, नागराज से कहकर अच्छा मुहूर्त निकालने के लिए कहो, खर्चा सारा मेरा होगा। अच्छा सुनो ना, एक दो ना। अच्छा अभी? प्लीज। अरे शिवा, कितनी देर फोन पर बात करेगा? आ रहा हूँ भाई। दारू तेरे बिना हो गया जीना बेकार। ए दारू तू ना मिले तो हो जाए मेरा जीना बेकार। ए दारू, अरे कंपनी देने वाला मुझे कोई नहीं है। अरे ये भी सो रहा है भाई। भाई
आप मुझे कंपनी दोगे क्या? ए यहाँ ये सब कुछ नहीं मिलता, चल निकल। अरे मैं उस कंपनी के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, इसके बारे में। भाई तुझे मैं देता हूँ कंपनी। अरे भाई अंदर आ जा। देता हूँ ना कंपनी। अरे अंदर आना भगवान। आजा आजा भाई, तेरा गेट खोलो। चल चल आजा भाई आजा। चलो एकदम सही टाइम पे आए तू भाई। चलो सब लोग साथ में पीते। भाई तुमने जो गाना गाया था वो एकदम मस्त था, एकदम कमाल का था। ऐसे गाने बहुत सारे हैं मेरे पास, तो फिर एक गाना और गाओ। हाँ गाता हूँ भी। दारू तुझे जो नहीं पीता वो स्वर्ग को जाता है, दारू तुझे जो नहीं पीता वो स्वर्ग को जाता है, और जो तुझे पीता वो स्वर्ग यहीं बना लेता। ऐसा होता है अपना गाना। क्या मस्त गाया यार। हाँ बहुत मस्त गाता हूँ। लिंगा भाई तुम यहीं पर रुको। ए तू चल मेरे साथ। चल चल चल। आराम से। क्या हुआ क्या हुआ बोलना। हुआ तो कुछ नहीं पर बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है ना, अब चल चुप। दारू रे दारू रे दारू दारू रे तू है मेरी जान, दारू रे दारू रे दारू रे तू है मेरी जान, तेरे बिना कैसे रह पाऊं मेरी जान। दारू रे दारू रे दारू रे तेरे बिना कैसे रह पाऊं मैं, दारू रे दारू रे दारू रे तेरे बिना जी नहीं पाऊं मैं। बहुत सारे गाने गा लिए, अब मुझसे नहीं गाया जाएगा, चलता हूँ अब मैं। ठीक है भाई, फिर मिलेंगे भाई। तुम लोगों की अगर नौकरी रही तो फिर मिलेंगे। अरे जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूंगा। ए शिवा तू सुपर्ब यार, कल से हम लोग किंग है, अब से हर दिन अपने लिए त्योहार होगा, मचा डालेंगे। सच में माइंड ब्लॉक हो गया यार, इसलिए हम कभी कभी स्पेयर मेंटेन करते हैं। अरे एक और पैक होता तो मजा आ जाता। और एक पैक जब तक नहीं लगाऊंगा सेट नहीं होगा मामला। ये भी खाली है। क्या यार शिवा, एक भी नहीं बचा है। क्या हो गया यार शिवा, इतना तो पी लिया मैंने, इन पैसों से मैं घर ही बना सकता था। दारू के लिए अब क्या करूं मैं। अच्छा
तुम्हारी वजह से पूरी दारू बेवजह नीचे गिर गई। ओ शिव, वैसे भी ये शिवा तुम्हें मानता नहीं है। मेरा नाम रखा है ना तुमने, इतने सालों बाद मेरा कर्ज उतारने का मौका मिला है तुमको। उतार दो, कल से तुम मार्केट में बिजी और ये शिवा फ्लाइट में बिजी। अब आराम से बैठो यहां पर। कोई किलबिल जैसी भाषा लग रही है। सूरा मतलब स्वर्ग में भगवान पीते हैं वो दारू, सूरा पान। ऐसा है क्या? वही यार, अपने ब्रांडी बिस्की की तरह, लेकिन वो ओरिजिनल होता है और ये मिलावटी। अच्छा, अगर उसे इतनी से भी पी लेना तो मस्त चढ़ती है। सूरा पान, वाह शिवा, क्या नसीब है तेरा, बिल्कुल परछाई की तरह पीछा कर रहा है। क्यों स्वामी, मोड अच्छा है बोला तो तुमने सुना था क्या? अपने आप को स्वामी कहते हैं। अरे वाह, कुछ दिनों में तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है।
बम्बई नगरिया है, बम्बई नगरिया है माया नगरिया, कितने हैं आए गए कितने हैं आए गए, बम्बई नगरिया में गोरी गोरी छोकरी, गोरे हैं छोकरे गोरे गोरे छोकरे, काम करता लगन से जो बनता वो रिच रे, धूमधाम से आगे बढ़े धूमधाम से आगे बढ़े, उसका है जोर रे उसका है जोर, वो सब तो ठीक है लेकिन हमारा शिवा कहाँ है? मैं शुरू से ये बात तुम्हें बता रहा था कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, यज्ञ करेगा तभी सब कुछ अच्छा होगा, पर तुमने सुना नहीं। मोड़ अच्छा ही है, मोड़ अच्छा ही है, अब देखो क्या हो गया। स्वामी जी व्यंग करने के बजाय बताइए ना कि कहानी क्या है, ये हुआ कैसे, ये बताएंगे तो पुण्य मिलेगा, मैं आपके पैर पड़ता हूँ स्वामी। फिक्र मत करो, इस जल का सेवन करने वाले को बचपन जवानी बुढ़ापा एक दिन में सब अनुभव हो जाता है। मतलब अब मैं ऐसे ही रहूंगा क्या? मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनो, सृष्टि में होने वाली हर विपत्ति का एक उपाय होता है। अमावस्या की रात सूर्य की किरणों के कारण अपना रूप खो देने वाली ये मूर्ति आने वाली पूर्णिमा के दिन सूर्य किरणों के साथ वापस अपने रूप में आ जाएगी। हा? ऐसी चमत्कारी मूर्ति को अगर पवित्र जल से अभिषेक कराकर उस जल का सेवन करोगे तो तुम पहले की तरह हो जाओगे। अगर ये कहीं खो गया ना तो तुम्हारा जीवन ठुस। ठीक है स्वामी जी मैं चलता हूं। अरे यार हम लोग चलते हैं गोवा, ये लोग वहाँ पिएंगे और हम लोग। अरे अरे लिंगा भाई सब कुछ खत्म हो गया भाई। कौन हो तुम, क्या खत्म हो गया? अरे मैं शिवा हूँ। क्या कहा? शिवा? कौन सा शिवा? अरे तुम्हारा दोस्त शिवा। हमारा शिवा? हाँ मैं तुम्हारा जिगरी दोस्त शिवा ही हूँ। रात को चोरी करके घर जाने के बाद वहाँ कुछ बहुत ही अजीब हुआ, ये देखो मैं ऐसा बन गया। अजीब बात है, ये बुड्ढा खुद को शिवा कह रहा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है मिस्टर गूगल। यस मिस्टर जॉन, शिवा ने पैसों के लालच में अपने बारे में सब कुछ इस बुड्ढे को बता दिया होगा, इसलिए हमारे साथ नाटक कर रहा है शायद। तुम लोग ये क्या खुसर पुसर कर रहे हो? हम लोग खुसर पुसर नहीं कर रहे हैं, गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रहा है मतलब मेरी इस हालत की वजह से आ रहा है? वैसे आपने बहुत ही ज्यादा अच्छा नाटक किया। अरे ये नाटक नहीं है, मैं ही तुम्हारा शिवा हूँ। तो चुप रहना, चुप रह। तुम शिवा हो विश्वास नहीं हो रहा है। सच कह रहा हूँ लिंगा भाई, मुझे मेरी पार्वती की कसम। क्या कहा? चाहो तो ये देख लो, देखो खुद ही देख लो। फिर ये कौन सा अवतार है? अरे ये मैंने ऐसी कोई भी चीज किसी भी फिल्म में नहीं देखी। ये कौन सी नई मुसीबत हमारे ऊपर आ गई, ये सब क्या है यार? वैसे भी 1 करोड़ मिलने के बाद क्या मैं उसे तुम लोगों के साथ नहीं बांटूंगा, मेरी नीयत इतनी खराब नहीं है। ये सब तो सच जैसा ही लग रहा है। सच जैसा नहीं है, यही सच है। मतलब अब से हमारे सारे सपने चकनाचूर हो गए। प्रार्थना करो। ओ नो। इस पर भरोसा करने में हमें इतना टाइम लगा, मणि भाई को पता चला तो? बिल्कुल नहीं मानेगा वो। तो क्या करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे शिवा ये सब सेट करने में कम 15 दिन लग जाएंगे, मणि भाई को पता चला तो? वो तो पहले से ही गर्म रहता है, अगर उसको बताएंगे तो समझ ले तेरी बलि। कुछ दिनों के लिए कहीं और चलते हैं, मामला ठंडा होगा तो आएंगे, क्या कहते हो? लिंगा भाई तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम करेक्ट। सुनो मुझे इसका आइडिया बहुत पसंद है। अरे शिवा तो क्या कहता है? पार्वती को छोड़कर कैसे यार, वैसे भी कुछ दिनों की तो बात है ना, मैं सब देख लूंगा, तुम संभल कर रहना। अरे इसकी तो, ये शिवा भी क्या है, कब से फोन लगा रहा हूं उठाता ही नहीं। अरे शिवा हम मेहनत करके बारिश करते हैं, वो हमारे ऊपर सिर्फ छींटे उड़ाते हैं, थोड़ा ज्यादा मांगा करना। भाई हाँ? आपको एक बात बतानी है भाई। क्या बात है? वो जो शिवा है ना दूसरे बिजनेस करने की बात कर रहा था, तो मैंने सुन लिया था भाई,
क्या तू सच कह रहा है? कोई चोरी करने वाला अपने सामान को बेच नहीं सकता क्या भाई? जरा सोच के देखो। क्या रे शिवा, तोते की तरह तेरा ख्याल रखता था और तुझे पैसा देता था। तुझे तो बड़ा आदमी बनना था और अब तू इस मणि भाई के साथ ही खेल खेलना चाह रहा है। तेरी तो वो जहां कहीं भी मिले उसे खींच कर लेकर आ जा। ये क्या कर रहे हो जी? सामान क्यों बांध रहे हो? कहाँ जाना है तुम्हें? अरे पगली, कुछ दिन पहले मैंने कपड़ों की दुकान की बात की थी ना। हाँ? तुमने तो कहा था कि बहुत अच्छा विचार है, भूल गई क्या? हाँ तो कपड़ों के व्यापारी से मिलने के लिए सूरत जा रहा हूँ। हाँ? लेकिन तुमने तो कहा था कि अगले हफ्ते जाओगे। अरे नहीं, अभी जाना होगा। अभी जाना होगा तुम्हें? हाँ? याद आ गया मुझे। हाँ? सब याद आ गया मुझे। कल रात को तुमने मुझसे क्या कहा था? क्या कहा था? कहा था कि ये काम करूंगा तो बहुत पैसे मिलेंगे, पैसे मिलते ही घर का छप्पर निकाल कर स्लैब डालूंगा। कहा था ना मुझसे? मुझे जो कुछ चाहिए वो शहर जाकर तुम लाके दोगे, कहा था ना? कहा तो था, तो क्या हुआ? लगता है वो पैसे आ गए। पैसे मिलते ही ना तुमको तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई सब याद आते हैं। सारा प्लान मैं समझ गई हूँ, तुम्हारी कहानी मुझे समझ में आ गई। तुम्हें मैं और मेरी बेटी के अलावा सब कुछ याद आता है। अब मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, बिल्कुल नहीं रहूंगी, जा रही हूँ मैं। अरे रुकना मेरी माँ। हा? मैंने क्या कहा था, तू क्या कह रही है? हर बात का उल्टा मतलब निकालती है। अभी पैसे नहीं मिले हैं, पैसे मिलने के बाद सबसे पहले तेरे बारे में सोचूंगा। बेकार में नखरे करती है। मैं ही तो नखरे करती हूँ। मेरी डार्लिंग हो ना, सच कहता हूँ, सच में काम के लिए जा रहा हूँ, कसम से। मेरी कसम खाओ। तुम्हारी कसम? हाँ देखो, हमेशा कसम दिला के मेरा गुस्सा ठंडा कर देते हो। तो अब मैं जाऊं क्या? सामने आ जाओ। देखना सब अच्छा होगा, जल्दी लौट कर आना। हाँ ठीक है। शे, ताला लगा कर पता नहीं कहां गया। वैसे भी अब वो यहाँ क्यों रहेगा? हाँ? भाई भाई क्या वारे मिला क्या? नहीं भाई, वो ताला लगा कर पता नहीं कहाँ चला गया है। अब क्या करूँ? अगर वो वहाँ नहीं है तो वो जहाँ भी जाता है जाकर ढूंढ उसे, ऐसे सुस्ती से काम नहीं चलेगा। अरे मुझ पर क्यों फायर हो रहे हो भाई? अरे 30 करोड़ की बात है, फायर नहीं होऊंगा तो क्या करूँगा? इसीलिए वो डील मुझे देने के लिए बोला था, अभी क्या किया उसने? ले गया ना। अबे तेरी तो वेंकट। अरे समझ में आ गया, ए चलो रे जाकर ढूंढ उसे। ये बात किसी भी तरह से पार्वती को बतानी होगी। हेलो पार्वती, तुमसे अर्जेंटली बात करनी है, जरा तालाब के किनारे आओ। ठीक है, तालाब के किनारे नहीं, ब्रिज के पास आ जाओ। ठीक है आता हूँ। क्यों शिवा, बहुत खुश लग रहे हो? काय का खुश, बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर तुमने कहा था ना नागराज से कहकर शादी तय करेंगे, तुम ही मेरी चांद की चांदनी हो, कश्मीर की इत्र हो, दिल्ली में बंगला और दार्जिलिंग में गेस्ट हाउस, सारे शहरों की बातें करके अभी तो चूसे हुए आम के जैसे हो गए हो। ऐसी कोई बात नहीं है। सुनो ना, परेशान मत हो शिवा, बात क्यों नहीं कर रहे हो? तुम मुझे बात करने का मौका दो तब ना। ठीक है, कल या परसों शिवा ही तुम्हारा दामाद है, ऐसा मैं नागराज को बताऊंगी। अब मैं इसको कैसे समझाऊं? अरे बात वो नहीं है, अभी रहने दो। अरे तुम कुछ नहीं जानते, तुम रुको मैं देख लूंगी, पार्वती हूँ मैं। अरे बाप रे, अरे जॉन शिवा ने क्या कर दिया यार, सोचा था गोवा जाएंगे हम, खेत में घूम रहे हैं, क्या यार ऐसा कुछ होगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था मिस्टर गूगल। इस बहते हुए पानी को देखकर मैं अपनी प्यास पर काबू नहीं कर पा रहा हूँ मिस्टर गूगल। हाँ, चलो हम दोनों अपनी प्यास बुझाते हैं।
अरे जॉन, ये पानी कुछ अजीब नहीं लग रहा है? नहीं गूगल, मुझे बहुत ही स्वादिष्ट और खुशबूदार लग रहा है ये पानी। चलो हम अपना सफर जारी रखते हैं। ओह नो गूगल, क्या हुआ? तुम्हारा शक बिल्कुल सही था, यहाँ नहीं वहाँ देखो। बोला था ना, मुझे पता नहीं था। गूगल वहाँ देखो, वहाँ कोई वाहन आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस वाहन को रोकना चाहिए, है ना? रोकने के लिए उस तरफ दौड़ना होगा, दौड़। हाँ चलो। अरे अरे रुकिए रुकिए, अरे रुको रुको गाड़ी, रुकिए रुक जाइए, रुको रुको रुकिए। अरे क्या कार कैसे रोकते, गूगल पे देखता हूँ। हाउ टू स्टॉप कार। मियाओ मियाओ। चल रे, मुझे लगा था गाड़ी रोक देंगे, पर ये तो खींच के ले जा रहे हैं। गूगल मास्टर ने हमें धोखा दे दिया मिस्टर गूगल। ए दड़ियल, भाई कहाँ है? भाई तो अंदर नहा रहे हैं। अरे कितना भी घिसले वैसे ही रहेगा, जल्दी जाकर बुला। ठीक है बुलाता हूँ। अरे कालू भाई, इन्हें इंट्रोगेशन रूम में लेके जा, तू भी जा रहे। अरे इन बच्चे लोगों के लिए इतना बिल्डअप क्यों भाई? अरे इंट्रोगेशन ऐसे ही होना चाहिए, फिल्म नहीं देखता है क्या? वैसे कालू, इनका नाम कुछ तो था ना? पता नहीं भाई, इनका तो कुछ अजीब सा ही नाम था। ठीक है फिर, जरा इनके मुंह तो खींच। अरे इनके मुंह पर क्यों मारा? अरे आपने कहा खींचने के लिए? अरे मैंने इनके मुंह के टेप को खींचने के लिए बोला था। अरे क्या बोलते हैं आप भी। ए, तुम्हारा नाम क्या है? आई एम मिस्टर जॉन जिंगैया। तेरा नाम क्या है? गंगा। अच्छा वैसे वो तुम्हारा शिवा कहाँ है? हम नहीं जानते भाई, एक फंक्शन के लिए पड़ोस के गांव में जा रहे थे। पड़ोस के गांव जाने के लिए पास के बस स्टॉप पर जाना चाहिए था ना, तू खेतों में क्यों भाग रहा था बे? गूगल ने उसी तरफ दिखाया तो हम लोग उसी तरफ जा रहे थे। क्यों बे, चेहरा देख के मक्खन लगाने की सोच रहा है क्या? ए वेंकट। हाँ भाई। सर लाने को कहा था, ये पूछ क्यों लेकर आया? अरे क्या बोला, वो तो नहीं मिला इसलिए इनको यहाँ लेकर आया हूँ भाई। है बकवास करना बंद करो और सही से काम कर, इन्हें यहीं पर रख और उसे पकड़ कर ले आ। हाँ, बिना दिमाग का सब काम करता है। वो कहाँ है ये पता करने के लिए इन्हें मारना पड़ेगा ना। हाँ भाई, पेड़ के जैसे एकदम बड़ा हो गया है लेकिन बीज की जितनी भी अकल नहीं है इसको। सही कहा भाई। वैसे वो शिवा कहाँ मर गया? दांत तेरी की। फिफ्थ क्लास की राम्या ने मेरी चेरी को कुछ दिन पहले 5 स्टार खरीद कर दी थी। हाँ क्यों रे, बहुत ज्यादा बोल रहा है तू? क्या समझता है तुझको? को एक पड़ेगा तेरे, तू सही हो जाएगा। अबे क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ छोड़ छोड़। क्यों रे बच्चा लोग, तुम्हारी उम्र ही अभी क्या है, क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम लोग? और तू बे, तूने ही झगड़ा करवाया है ना, तू ही है ना इन सब की वजह। इतना सा है और मेरे दोस्त को मारता है? तेरी तो मुझे बोलता है बच्चा कहीं का। हमारे भी जाके नेता बनता है। बच्चों के बीच सुलह करवाने गया था और इन्होंने मेरी ही पुंगी बजा दी। बाप रे, इतना दर्द हो रहा है, लग रहा 90 पीना ही पड़ेगा। भाई एक क्वार्टर देना। किसके लिए? किसी और के लिए नहीं, मुझे चाहिए। बहुत जोर जोर से मारा है। ए बटले चल भाग यहाँ से। बटला,
भाई मेरे लिए नहीं, मेरे पापा के लिए चाहिए। तो फिर अपने पापा को बुला। मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है भैया। अरे ऐसी कहानी बहुत सुनी है मैंने भाई, अगर लेकर नहीं गया तो पापा मारेंगे, प्लीज दे दीजिए। अरे अपने पापा के लिए दारू मांग रहे, दे दो ना। अरे एक बार दिया था तो एक आदमी ने हंगामा कर दिया, ये सर दर्द कौन झेलेगा। अरे तू जा रहे। अच्छा ठीक है, मुझे क्वार्टर दे दो भाई। भाई भाई एक पैक पिला दो ना भाई, प्लीज भाई एक पैक बस, प्लीज भाई पिला दो ना। बहुत दर्द हो रहा है भैया, एक क्वार्टर पिला दो ना प्लीज भैया। क्या है बे? इतनी मुश्किल से दारू मिली थी और मेरे मुंह की दारू छीन के जा रहा रे। ये कौन है? शिवा के कपड़े क्यों निकाल रहा है? सुनो कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? इसने देख लिया, अब क्या करूँ मैं? सुनो तुम्हें ही मैं शिवा। हाँ शिवा, मैं शिवा का दादा हूँ। शिवा के दादाजी हैं? हाँ। बताया भी नहीं कि दादाजी आने वाले हैं। रुकिए मैं आती हूँ। अरे बाप रे, बच गया बुड्ढे। ये बुढ़िया यहाँ आकर क्यों बैठ गई? ये खा लीजिए और ये पी लीजिए। मुझे थोड़ा काम है, बाजार जाना है तो मैं जरा। कुछ खाए बिना बाजार जाओगे तो चक्कर नहीं आएगा क्या? ये क्या, बुढ़ी मुझे इतनी इज्जत क्यों दे रही है? पड़ोस के गांव में दादाजी रहते हैं मेरे, लेकर आऊंगा साथ में रह लो उनके। ये क्या हो गया यार शिवा, मतलब ये बुढ़ी तो। ठीक है फिर तो कम से कम चाय तो पी लो। लगता है बिना पिलाए नहीं छोड़ने वाली। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? अरे शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से होंगे? अरे चुप करो, मजाक मत करो। तुमसे मजाक क्यों करूंगा मैं बुढ़ी, वो मुझे बाहर जाना है तो मैं। अरे चले जाना। वैसे तुम्हारी पत्नी क्या करती है? मर गई। अरे बेचारी, मेरे पति को भी गुजरे हुए 20 साल हो चुके हैं, क्या कर सकती हूँ अब, मैं भी बिल्कुल अकेली हूँ। वैसे तुम क्या करते हो? खेती करता हूँ। इस उम्र में भी काफी हट्टे कट्टे हो। अरे बाप रे बुढ़ी, उम्र हो गई है लेकिन बल नहीं गया इसका, उछल कूद के लिए तैयार है। मुझे बाहर जाना है, जल्दी नहीं जाऊंगा तो फिर जल्दी कैसे आऊंगा मैं? बाहर जाना है कहाँ? मुश्किल से तो यहाँ आना होता है, मेहमानों से मिलना है। मेहमानों के यहाँ रूखा सूखा खिलाने के अलावा कुछ सेवा नहीं करेंगे वो तुम्हारी। बाहर बहुत धूप है, घर में ही रहो वरना काले पड़ जाओगे। मटन को मस्त मसाला डालकर बनाती हूँ, दोनों बातें करते हुए खाएंगे। चाहो तो खाने के बाद चले जाना। ठीक है ठीक है, तुम जाकर खाना बनाओ फिर बात करेंगे। जल्दी से बना कर लाती हूँ। बेवकूफ है तू, बेवकूफ है तू। 2 मिनट में जिंदगी उलट पुलट हो गई, पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी रह गया है। क्यों रे शिवा, धोखा दे दिया ना? अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, भागना चाहता था ना। अरे भाई 2 मिनट मेरी बात तो सुन लो ना। अरे क्या बात सुनूं, वहाँ वो सुनाता है यहाँ तुम सुना रहे हो, मैं कोई जज हूँ क्या? अरे शिवा, हमारा शिवा कहाँ है? है भाई, वो राइमिंग अच्छी करता है इसलिए कहा। ए मूर्ति कहाँ है? अरे भाई असल में हुआ क्या था, मेरी बात तो सुन लो। ए ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे पकड़ के ले चलो, ले चलो। छोड़ो मुझे, मैं चलता हूँ ना। चला जा, चल। ए शिवा, ये सब लोग कौन है? ये मेरे दोस्त हैं, दावत पर जा रहे हैं। अच्छा वैसे तुम्हारे दादाजी कहाँ चले गए? मटन को मस्त मसाला डालकर बनाया है। ए,
इस उम्र में इतनी मेहनत क्यों कर रही है बुड्ढी? तुझे क्या करना है लफंगे टक्के? तेरे मुंह में कीड़े पड़े, तेरा पूरा खानदान सड़े, हाड़ में जा तू। अगर दोबारा यहाँ दिखाई दिया ना तो डंडे से मारूंगी तुझे, शकल मत दिखाना। अरे बस कर बुड्ढी, कितना बोलेगी। सुन शिवा, तेरे दादाजी को जल्दी से भेज देना। ए, जा जा, कैसी बुड्ढी है, निकल रहे, इस उम्र में भी इतनी गालियाँ देती है। अरे ए, आराम से ले आ इसे। चल चल। अरे दड़ियल भैया। चल भाई, कहाँ है? अभी भाई कलेक्टर ऑफिस के लिए गए हैं। अरे धत तेरी के। अरे शिवा, मूर्ति देगा या भाई के हाथों मरना चाहता है? भाई जो तुम कर रहे हो वो तुमको ओवर नहीं लग रहा है क्या? अरे इसको इंट्रोगेशन रूम में लेके चल। चल चल, अरे चलना, सब पता चलेगा। चल चुप करके चल। क्या भाई, इस शिवा को तीन दिन से ढूंढते ढूंढते बदन बहुत दर्द कर रहा है। भाई वैसे भाई को आते आते शाम हो जाएगी। चल के दबा के पीते हैं। ए आदि, भाई को थोड़ा और डाल। ये चल, बस हो गया। अरे डाल ना तू भाई, तीन दिन से एक बूंद भी पीने को नहीं मिली है। डाल इसकी तो डाल। हाँ यार, तूने सही कहा, उस शिवा ने तो परेशान करके रख दिया है। हाँ भाई, हाँ भाई। आने दो भाई को, आने दो, हमारे पास काम सीख कर हम ही को गोली देता है वो। अरे भाई कूल रहो भाई, वो मिल गया है ना, भाई को आने दो। आने दो भाई, थोड़ा मजा करते हैं ना। अरे क्वार्टर, गाना गाना। अरे भाई एक पैगला, अरे भाई एक पैगला, शिवा को हमने पकड़ लिया और इंट्रोगेशन रूम में डाल दिया। अरे भाई, अरे भाई एक पैगला, एक पैगला, अरे भाई एक पैगला, जब जोर से दिया एक दोस्त तो बता देगा न्यूज। अरे धमकी देंगे तो हाथ जोड़ कर कर देगा वो सुसू। अरे भाई एक पैगला, अरे भाई एक पैगला, अरे भाई एक पैगला, अरे भाई एक पैगला। लो भाई, सबको एक एक पैग देता हूँ। भाई आप शुरू करो ना। रहने दे। अरे मोटे हटना। भाई आप सिंगिंग में फर्स्ट क्लास में फर्स्ट प्राइज लेकर आते थे, सही गाना। क्या बात है, शुरू करूँ क्या? भाई 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 तुम जल्दी आओ, भाई भाई तुम जल्दी आओ, भाई भाई तुम जल्दी आओ, भाई तुम जल्दी आओ, भाई 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 आ जाओ, भाई 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 तुम जल्दी आओ। बस बहुत हंस लिया। वैसे भी पड़ोस के गांव में यात्रा के लिए जा रहे थे ना, तो यहाँ कैसे पहुंच गए? खेतों के रास्ते पड़ोस के गांव जा रहे थे। हाँ। लिफ्ट मांगने के लिए इन लोगों की गाड़ी रोकी और वो लोग यहाँ ले आए। लिफ्ट, अब क्या होगा हमारा भाई? हाँ? मैं भी एक गाना गाऊंगा भाई। गाना गा। आओ आओ मणि भाई, शिवा की चमड़ी उधेड़ दो। आओ आओ मणि भाई, शिवा की चमड़ी उधेड़ दो। आओ आओ मणि भाई, शिवा की चमड़ी उधेड़ दो। आओ आओ शिवा की चमड़ी उधेड़। बताओ बताओ मणि भाई, ये दावत तुम्हें कैसी लगी? क्या कहा था तूने मुझसे? फिर ये गाना बजाना क्यों हो रहा है लुच्चे? मैंने तुझसे क्या कहा था और तू ये सब क्या कर रहा है? अरे चिल्लाओ मत भाई, शिवा मिल गया है हमें। हाँ? ये तू क्या कह रहा है, शिवा मिल गया क्या? अरे कालू लेके आ उसे। अभी लाते भाई। भाई भाई, ये लड़का कौन है और शिवा कहाँ गया? भाई इन दोनों ने उसे भगा दिया और इस बच्चे को यहाँ बिठा दिया। अरे अवतार, तू कुछ मैनेज करना। मैं खेल रहा था तो मुझे उठा के ले आए। मैं तो कब से बोल रहा था कि बच्चे को लाकर बांध दिया है, फिर मुझ पर ही गर्म हो जाते हो। हाँ सही कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है मिस्टर वेंकट। ये क्या है? हाँ भाई, हमने जाते जाते नुक्कड़ पे दारू पी थी ना, याद है कि नहीं है? हाँ। अब समझ में आया, ये उसी का इफेक्ट है। ये तो अच्छा मैनेज करता है यार। अरे जरा ठीक से बोलना,
अरे भाई, हमारी बुड्ढी जब दारू पीती है ना, वो इधर उधर से पकड़कर डार्लिंग बोलती है। मेरे दादाजी का पूरा गुस्सा उस पर निकाल देती है। ये मिलावटी दारू है ना, जान ऊपर नीचे हो जाती है। और इसी धोखे में इसे पकड़कर हम यहाँ लेकर आए। तुझे ऐसा लगता है? हाँ भाई। तो अब कैसे दिखाई दे रहा है ये लड़का? दरअसल भाई, अभी जो हमने दारू पी थी ना, वो अच्छी थी, इसलिए सेट हो गया साहब। हाँ, एकदम सही बोला। हाँ भाई। अरे कालू भाई, अब उस टकले को क्या बोलेंगे भाई? बोलो भाई। एक काम कर, उसे बोल कि वो भाग गया है। हाँ। और भाई उसी को पकड़ने के लिए पीछे गया है। ठीक है भाई। जा। अरे रोना बंद कर। अरे सॉरी भाई, गलती से हो गया। अरे रो मत भाई, ये ले 200 रुपये, ले ये ले। जाते जाते मिल्की बार, बार चोको बार, बार ये बार, बार वो बार, कोई ना कोई बार ले लेना। बार। ए लड़के। हाँ। कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? वो शिवा का भांजा हूँ। शिवा का भांजा है? दादाजी के लिए आया हूँ। अच्छा, दादाजी के लिए आया है क्या? अच्छे से खा बेटा। ये मटन तेरे दादाजी के लिए रखा है। हाँ? कितनी देर हो गई, अब तक तेरे मामा और दादाजी आए ही नहीं। मुझे क्या पता, मैं तो अभी अभी आया हूँ। ठीक है, खाओ खाओ। ओह, दारू पीनी ये बुड्ढी छोड़ ही नहीं रही है। मैं अपने मामा के रूम में सोऊंगा। क्यों बेटा, अकेले डर लगेगा ना तुम्हें? आओ मेरे पास सो जाओ, यहाँ सो जाओ। सो जाओ बेटा, आराम से सो जाओ। पता नहीं ये कब आकर सो गए। सुनिए, चाय। यहाँ पर आपका पोता सोया था ना? वो मैंने सुबह सुबह उसे घर भेज दिया। मैं समझ गई, हम दोनों के बीच में वो लड़का क्यों? भाई शिवा बहुत कहानियां सुना रहा है। हाँ। इस बार पकड़ा गया तो छोड़ेंगे नहीं। छोड़ना ही नहीं है, उसे लेकर जाएंगे। अरे यार, शिवा घर में नहीं है। अरे कालू, उस बुड्ढी से पूछ। अरे रहने दो भाई, वो बुड्ढी गाली बहुत देती है भाई, मैं अकेले क्यों खाऊं? सब चलते हैं। हाँ चलो। माँ जी। ओ माँ जी। कौन है? फिर से आ गया तू? वो शिवा नहीं है, ताला लगाकर चला गया है। पता नहीं ये बुड्ढी उन्हें क्या जवाब देगी। मुझे क्या पता। अरे तुम्हें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? पता भी होगा तो तुझे क्यों बताऊं? देखा भाई, शुरू हो गई नहीं। सही जवाब दिया बुड्ढी। सुनो भाई, इस बुड्ढी को पैसे का लालच देके देखो ना, फिर सब बताएगी। हाँ यार। अरे बात ऐसी है ना, उसे पैसे देने हैं। पैसे देने? बताओगी तो वहाँ जाकर दे दूंगा। ऐसी बात है, मुझे शिवा के बारे में तो नहीं पता, लेकिन उसके दादाजी यही हैं। अरे तूने क्या कर दिया बुड्ढी? दादाजी कहाँ पर हैं? तुम लोग यही इंतजार करो, वो थोड़ा नहा रहे हैं। इसे ले जाएंगे तो वो खुद ही आ जाएगा। हाँ भाई। जाओ लेकर आओ उसे। हाँ, हाँ, जा। क्या कहा? ए
उनको कहाँ लेकर जाओगे? मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। मेरे दिमाग को खराब मत कर। चिल्ला मत बुड्ढी। अरे रुक। अरे चलो ना भाई, क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो ना। अरे चलो ना, बताते हैं तुम्हें। अरे बताती हूँ तुझे। अरे बाप रे, अरे लेकर जाएगा। हाँ मार भी देगी। नहीं मार, रुक, तू ऐसे नहीं मारेगी। सुबह अंदर बंद करता हूँ। चल चल अंदर चल। अरे अब अंदर ही चला। मार देना अपना। अरे दरवाजा खोल। अरे रुक, चुप कर, दरवाजा खोल। भाई क्या कर रहे हैं? भाई ऊपर पोते के साथ बात कर रहे हैं। यहाँ हमें काम पे लगा के पोते के साथ बात कर रहे हैं। जा उन्हें जाकर बुला के ले आ। अरे भाई रहने दो। अरे जाना, बुला कर लाना। ठीक है। मैंने पहली कहा था मैं नहीं जाऊंगा, ये देखो क्या हो गया। थोड़ा सा लाल हो गया तो क्या बात हो गई? इतनी देर हो गई, बात पूरी नहीं हुई है क्या? हाँ भाई। क्या कहो, इसे एकदम गधा है। पता नहीं सारे निकम्मे मुझे ही क्यों मिलते हैं। अरे एक तो पोते की तबीयत नहीं ठीक और तुम लोग बात भी नहीं करने देते। इतना समय, 3 घंटे बीत गए हैं। हाँ ठीक है ठीक है। वो मिला क्या? वो नहीं मिला तो उसके दादाजी को उठाकर लाए हैं। दादाजी? क्या कहा, दादा? पहले उसका चमचा छोटू और अब दादाजी? अरे पागल, तुझे ये सब खेल लग रहा है? 30 करोड़ की बात है। अब वहाँ वो सेठ मेरे सर पर बैठ कर नाच रहा है। अरे परेशान मत हो भाई। शिवा का दादा भी है, ये उसने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? हा? अरे सब कुछ बताता है क्या कोई? दादाजी के बिना पोता कैसे आ गया? बेकार के सवाल पूछते रहते हो। क्यों रे, तू कुछ ज्यादा बोल रहा है हा? अरे चल के उसे धमकी दो, समझे? हाँ, इस बार अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। हाँ हाँ, ओपन करो। मैं क्या कोई शोरूम ओपन करने आया हूँ? तू ओपन कर। हाँ? भाई उसके दादाजी को धमकी देना ताकि शिवा खुद चल के आए। हाँ? ये क्या, फिर से हम नुक्कड़ पर दारू पीने गए थे क्या? अरे नहीं भाई। तूने कहा था कि शिवा का दादा है, मुझसे मजाक कर रहा था? आपके साथ मजाक करूंगा क्या भाई? आपको सरप्राइज देने के लिए ऐसा कहा था। शिवा, मूर्ति कहाँ है भाई? वो ए, भाई के अलावा कहीं और भी खाता खोला है क्या? छिछी, ये कैसी बात कर रहे हो? भाई के अलावा कोई और खाता? तो फिर बताना मूर्ति कहाँ है। वो मूर्ति के बारे में बताऊं तो? हे, बात घुमा क्यों रहा है, बता मूर्ति कहाँ है। वो ए, दूध पीने वाले छोटे बच्चे की तरह क्यों बता रहा है, चल बता। भाई मूर्ति के बारे में जानना है तो उस रात जो अजीब घटना हुई है उसके बारे में जानना पड़ेगा आपको। अजीब घटना? भाई के आगे भी कोई अजीब घटना है क्या जो तो इन्हें आकर बता रहा है? भाई 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 भाई, मेरा दोस्त जो कह रहा है वो बिल्कुल सच है, क्योंकि मूर्ति के बारे में पूछ रहा हूँ और कहानी सुना रहा है, कहानी। अरे इन बेकार लोगों के साथ बात क्यों कर रहे हो, उससे बात करो ना। भाई 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 भाई, बस एक हफ्ते का टाइम दे दो ना भाई। बता दे मूर्ति कहाँ है। बस एक हफ्ते का टाइम दे दो, मैं किसी तरह मूर्ति को लेकर आ जाऊंगा भाई। भाई 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 भाई, देखो यही है मूर्ति। अरे भाई को बेवकूफ समझा है क्या? अगर ये मूर्ति है तो ये क्या है? हाँ भाई यही तो है वो। हाँ? ये है। अरे भाई इसका बहुत बड़ा प्लान है, पत्थर दिखाकर मूर्ति कह रहा है। अरे भाई भाई यही है वो मूर्ति। और वैसे भी मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा भाई, मुझ पे भरोसा करो ना। अरे चुप कर, पत्थर को तू मूर्ति बता रहा है, पागल समझा है क्या? भाई अरे कहां है यार वो उस ट्रैक्टर में? यादी तो मिलेगा नहीं।
अरे मूर्ति है वो। अरे पहले से वो बता ही रहा था कि एक बार मेरी बात सुनो, पर नहीं नहीं सुनी। हमेशा मेरी बीवी मुझसे कहा करती थी, ये जी सुनिए जल्दबाजी ठीक नहीं, यही आपको एक दिन डुबा देगी। तब सुनता था, लेकिन देखो अब ये मुझसे क्या हो गया। हाय मेरी किस्मत। हे वेंकट। हाँ भाई। उसने पत्थर दिया था ना, लेकर पॉकेट में रखना चाहिए था, या यहाँ रखना चाहिए था, या फिर मुझे देना चाहिए था, लेकिन बेवकूफ तूने उसे फेंक क्यों दिया? अरे मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई? 20 करोड़ की मूर्ति है वो। 20 करोड़? और ये पत्थर देखा कर बोलेगा कि ये मूर्ति है तो मैं मान लूं? बताओ मुझे। 30 करोड़ की थी। हाँ। वो 30 करोड़। हे शिवा, अभी तो मेरे आदमियों को लेकर जा, उस ट्रैक्टर को खोज और जहाँ भी मिले उसमें से मूर्ति लेकर आ। ठीक है भाई। शिवा मुझे बस वो मूर्ति चाहिए, नहीं तो तुम में से किसी को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। चल 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 चल। हे तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तुझे क्या अलग से बोलूं? हाँ जा रहा हूँ, तुम बैठो पत्थर की तरह। पता नहीं 30 करोड़ कहाँ चले गए। भाई यही है। यही है तो देख। मिला क्या भाई? अभी तक नहीं मिला। अरे एक बार अच्छी तरह से देख। यहाँ नहीं है भाई, नहीं है। ठीक है नीचे आ। अरे इधर आओ भाई। नमस्ते भाई, यहाँ कैसे आना हुआ? ये तो ट्रैक्टर में तो मैंने नहीं देखा। मैं आया था तो भोजमपल्ली, रेवनापल्ली, इंदिरा नगर होते हुए आया था। हो सकता है रोड पे कहीं गिर गया हो, क्योंकि रास्ते में स्पीड ब्रेकर भी तो है, उधर ही कहीं गिरा होगा। हाँ भाई ये बिल्कुल सही कह रहा है। ए, ये काम करना है। क्या काम है भाई? मेरे साथ चल। मैं जा रहा हूँ भाई, मुझे आग लगी है। बाप रे, आग लगी है? मुझे भी तो लगी है। सिगरेट जलाने के लिए मेरे पास माचिस तक नहीं है, मैं क्या करूँ भाई? अरे आग मतलब वो आग नहीं। शिट, शिट। तो, पर आग तो कहीं पर भी नहीं है तेरी तो। ओह नो। बहुत
दर्द हो रहा था। ओम नमः शिवाय। नहीं मिला वो। अरे शिवा, लगता है हमें ऐसे नहीं मिलेगा वो। मैं तुझे आइडिया देता हूँ। ठीक है भाई। भाई, इतना बिल्डअप जरूरी है क्या? नाम होने के बावजूद भी लोगों को बिल्डअप देना जरूरी होता है, समझा क्या? चल निकल यहाँ से। इसकी जात का बिल्डअप तो ऐसे दे रहा है जैसे सलमान खान हो। लाइन में लगा सबको। इतने सारे पत्थर आ गए हैं, मैं असली को पहचानूंगा कैसे? यहाँ पे आके लाइन में लग। चलो चलो लाइन में लगो। सुनाई नहीं दिया, लाइन में लगो। कहाँ से चले आते हैं? सुनिए पापा जी। क्या हुआ बेटी? अगर आपके पास वक्त हो तो मुझे आपसे जरूरी कुछ बात करनी है। ऐसी क्या बात है? बात बहुत बड़ी है। बड़ी है तो जल्दी बताओ। श्री 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 दुर्गा नाथ की बेटी, गांव में सबसे सुंदर लड़की मैं हूँ। मतलब पार्वती। अपने विवाह के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। एक शिवा नाम के बहुत ही बलशाली वीर है। उस राजकुमार में आपका मन बदलने की शक्ति है, मनसा वाचा कर्मणा। आपके आशीर्वाद से मैंने विवाह करने का निर्णय लिया है। ये क्या है बेटी, तुमने अपने पिताजी का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया और स्वयं विवाह का निर्णय ले लिया? अजीत, निर्णय लेने के बाद क्यों पूछ रही हो? वैसे भी प्रेम विवाह हमारे घर में शोभा नहीं देता। हमारे घर में तो और भी प्रेम विवाह हुए है ना, आप भूल गए हैं क्या पिताजी? बस करो अपने ज्ञान का भाषण। नाटक में मुझे पछाड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मैं और एक अनजान व्यक्ति को अपना दामाद बना लूं? ऐसा तो कुछ भी हो जाए लेकिन मैं स्वीकार नहीं करूंगा। ये अपमान है। पिताजी, मेरा चुना हुआ वर इतना बलशाली है कि आपके नाटक में जय हो ऐसे नारे लगेंगे उसे देखकर, क्या कहते हैं? अच्छा, तो तुमने मन बना लिया है? इस शुक्रवार शुक्ल पक्ष में 1 बजे तक का मुहूर्त है। धन्यवाद महाराज, लेकिन एक शर्त पर। शारदा, तुम जाकर राम बाबू को ये बात बता दो कि तुम नाटक के लिए चुने गए हो, क्योंकि नाटक में मुझे पछाड़ने वाला कोई नहीं है, और अगर तुमने मुझे पछाड़ दिया तो मेरे दामाद बन जाओगे। समझ गई ना? और वैसे भी मेरे जाने के बाद नाटक में अभिनय करने के लिए कोई वारिस नहीं है। अगर वो नाटक में अच्छा अभिनय करता है तो बेटी की शादी के साथ साथ मुझे मेरा वारिस मिल जाएगा, काम बन जाएगा। लेकिन उसे एक बात और बताना कि मुझे नाटक में अभिनय करके खुश करना आसान नहीं है। हमें भी ये स्वीकार है। हाँ गूगल, बोल क्या हुआ? ए, कहाँ है तू? पार्वती को कुछ बात करनी थी तो उससे ही मिलने जा रहा हूँ मैं। ए, इस टाइम पार्वती जरूरी नहीं है, वो पत्थर है। हाँ यार, लेकिन पार्वती से मिलना जरूरी है। हम लोग यहाँ संभालते हैं, तू जल्दी आ जाना। ठीक है ठीक है। क्या कर रहे हो? पत्थर चाहिए कहा था ना, इसलिए उठा ये। ए, हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो इतना सा है, इतना बड़ा नहीं है। अपना दिमाग बढ़ा, पेट मत बढ़ा, समझ गया ना? पेट तो ऐसे बढ़ा रखा है जैसे पेट में बच्चा हो, तेरी जात का। ए, हाँ, लाइन को ठीक से लगा। अरे भाई लगाता हूँ ना। ए, तुझे अलग से कहना पड़ेगा क्या? ये लाइन कैसी है, क्यों ऐसे खड़े हो? कौन जानता है किसका जुर्म क्या है? रुक, लाइन में आना, कहाँ भाग रहा है? हेलो, क्या समझता है तू? क्या हुआ? ये कोई साधारण पोटली नहीं है। हा? इसमें काली माँ, दुर्गा माँ, भैरवी माँ, अरे इसमें सभी फेमस मंदिरों का पत्थर है। ये बहुत शक्तिशाली है। हा? शायद इसमें हो। क्षत्रिय, इधर कर, तेरी तो इधर आ, चल इधर आ। 10,000 ही मिलेगा, समझा? जा। ए, तू इधर आ रे। आना। ओह नो। साहब के घर पर जा, बिरयानी लेकर आ, चिकन बिरयानी। बगल में दारू की दुकान है, फुल बोतल लेकर आ। जा।
क्यों भैया घूर कर देख रहा है? है कुछ नहीं, अगर पत्थर मिल गया हाँ? तो जोर से नारे लगाएंगे। कैसे? बताता हूँ, पावर स्टार की तरह मस्त दावत होगी। अगर नहीं मिला तो भाई फिर तो और जोरदार होगी। क्यों रे ओवर कर रहा है? ए चल हट भाई, इतनी देर से क्या ढूंढ रहे हो भाई? अरे सब रख लो, बहुत फायदा होगा, रख लो। क्या फायदा होगा, असली पत्थर तो है ही नहीं इसमें। भाई क्या कह रहे हो भाई? भाई 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 भाई, ये पत्थर बहुत शक्तिशाली है भाई, एक बार फिर से देख लो भाई, देख लो। देख के क्या करूंगा, असली पत्थर है ही नहीं। पत्थर ही नहीं है ये, कैसे कह रहे हो भाई? अरे वो पत्थर कैसा दिखता है तुम जानते नहीं हो क्या? ऐसा है तो तुम ही खुद ढूंढ लो ना, हम लोगों को इनाम का लालच देकर खड़े क्यों किए हो? अरे भाई क्या है ये तो बकवास ही किया जा रहा है। भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई, अगर उम्मीद नहीं रहेगी तो हम लोग तो वैसे ही मर जाएंगे भाई। भाई हजार रुपए तो दे दो भाई। ए, जब इसमें पत्थर ही नहीं है तो हजार रुपए क्यों दे? भाई मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, सिर्फ 100 रुपए दे दो भाई। प्लीज भाई प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, 100 रुपए दे दो भाई। भगाना इसे, जल्दी भगा, हटा इसे यहाँ से। अरे निकल, मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई, मुझे छोड़ दो भाई, मुझे छोड़ दो भाई, एक बोतल तो दिला दो भाई, मैं आपके पैर पड़ता हूँ भाई। भाई ऐसी बात नहीं है भाई, एक हाथ तो दिला दो भाई, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ भाई, एक क्वार्टर भी चलेगा भाई। भाई वो भी नहीं दोगे? भाई भाई मारो मत भाई, एक पैक तो पिला दो भाई। भाई आपकी बहुत मेहरबानी होगी, एक पैक भाई, एक पैक प्लीज, एक पैक ये ले। भाई आपकी बहुत मेहरबानी, अब चुपचाप निकल जाए यहाँ से, चल निकल यहाँ से। धात तेरी की, इस गांव में तो मिला ही नहीं वो। बात वो नहीं है पार्वती, अभी नाटक करना है तो वो कैसे होगा? क्यों नहीं होगा, उस दिन तुम ही कह रहे थे ना हमारा नसीब बदल गया, अपने पिता से बात करो, तुमने यही कहा था ना? इस तरह से बात करोगी मैंने सोचा भी नहीं था। क्यों नहीं कर सकती? मैंने अपने पिता से शादी की बात कह दी है, मुझे किसी और से शादी नहीं करनी है। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मेरी शादी राम बाबू से हो जाएगी, फिर तुम्हारी हालत देवदास की तरह सूखे आम के जैसे होगी। मेरी हालत अभी वैसी है, बात वो नहीं है पार्वती, अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। अच्छा, मेरे पिता को मनाने से ज्यादा बिजी हो? ऐसा क्यों कह रही हो, मैं बहुत परेशान हूँ, जरा समझो ना। हाँ, शादी कहते ही परेशानी स्टार्ट होती है, और कुछ नहीं बस मैं ही पागल हूँ। ठीक है, अब क्या करना है? नाटक जीतना है, बस इतना ही ना? आने वाले शुक्रवार को दोपहर 1 बजे नाटक भी जीतूंगा और पार्वती को भी जीतूंगा। किसी भी समस्या का हल सिर्फ एक ही होता है, दूसरा भगवान की इच्छा। आने वाली पूर्णिमा के दिन सूर्य की किरण उस पत्थर पर पड़ेगी तो वो मूर्ति बन जाएगी, ठीक उसी समय अभिषेक करना पड़ेगा। इस पवित्र जल को चरणामृत समझकर पी लेना, वरना जिस रूप में तुम इस वक्त हो मरने तक तुम उसी रूप में रहोगे, यही सत्य है। अच्छे से ढूंढना होगा, किसी भी हालत में हमें वो चाहिए। कितना भी ढूंढ ले अगर वो गांव में होगा ही नहीं तो मिलेगा कैसे? ऐसे कैसे निकल लिया तूने? तुझे पीपरमेंट और पत्थर में कोई फर्क नजर नहीं आता क्या? दिखाई नहीं देता क्या तुझे? दिमाग खराब कर रखा है, इतना बड़ा पत्थर तूने कैसे निकल लिया? हा? अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा, उसमें अलग खर्चा। पत्थर मतलब इतना होगा क्या? कब निकल लिया, कैसे निकल लिया, वो कौन से रंग का था? अरे रुको भाई, उसको आंसर तो बताने दो, एंकर के जैसे इतने सारे सवाल पूछ रहे हो, यू इडियट्स। छोटे पत्थर कैसा था बेटा? हाँ, जैसे गोली खेलते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही था। अरे गोली की तरह था या फिर गोल था? अरे इन सब से तुम्हें क्या मतलब? अरे पुण्य मिलेगा बताओ तो। पुण्य नहीं चाहिए मुझे, बताऊंगी तो क्या दोगे? हाँ भाई, पूरी कमर्शियल है,
अरे पहले बताओ तो। एक महीने का भाड़ा दे दूंगा। हाँ तो फिर ठीक है, अंडे के जैसा था। भाई खाओ छोटे, अच्छे से खाओ। हाँ ओके। कुछ याद आ रहा है क्या? भाई आप बहुत गंदे तरीके से पूछ रहे हो। तो फिर किस तरह से पूछते हैं? तू पूछ। बेमतलब बोल दिया मैंने। भाई अरे लेकर आ जा। ठीक है। जूस पी ले बेटा। ये कौन सा जूस है? कॉकटेल जूस। माँ पी ले बेटा, अगले महीने का किराया मिलेगा। इसके तो ये तो बेवड़े से भी ज्यादा पैसे हट रही है। बहुत होशियार है भाई। अब याद आया क्या? कुछ याद नहीं आया। इतना खा लिया फिर भी याद नहीं आया। भाई मेरे पास जुलाब की गोली है। तू इस्तेमाल करता है ना? हाँ भाई। गोली मत दो उसे। क्या परेशानी है, जाना भाई इसे जो चाहिए लेकर आ। क्या लड़का है भाई, छोटा सा है और इतना सारा खा लिया। गैस भी नहीं छोड़ रहा है तो। हाँ और इसे देखो, खाना खाने के साथ ही भागने लगता है। चुप कर बे। छोटे पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? अरे इसकी तो क्या करें अब। अरे फिर से टकलू का फोन है। टकलू का? नमस्ते भाई। क्यों रे, मिला क्या? हाँ मिल जाएगा, तू आके ढूंढना। क्या बोला, होशियारी कर रहा है? अरे क्या भाई, ये सब मैं पत्थर के लिए करूंगा क्या? तुम लोगों को ऐसा ही लगेगा। वहाँ वो पुणे का सेठ फोन पर फोन कर रहा है, मेरे कान में उसकी ही आवाज गूंज रही है। थोड़ा जल्दी ढूंढ उसे। ठीक है ठीक है। इससे तो सर दर्द होने लग गया है भाई। क्या देखना पड़ रहा है यार? बिल्कुल नहीं। माँ हो गया। हाँ वो अंकल धो देंगे, रुको। क्या मैं हे? तू उसमें ढूंढेगा या जाकर धोएगा? जा इधर आ। सब नौटंकीबाज हैं। अरे तू जाकर ढूंढ। नहीं अरे जाना नहीं, बोला नहीं। अरे लकड़ी से क्या ढूंढ रहा है, लकड़ी फेंक के हाथ से ढूंढ। नो दोस्तों लगता है मुझे मिल गया। पानी में मैं इसे धो देता हूं अच्छे से। आखिर मैंने हासिल कर ही लिया।
तूने ठीक से ढूंढा था ना? गहराई से ढूंढा था। मेरे बेटे ने यही पत्थर निकला था। उसने तो हमें पागल बना के रख दिया यार। उसने नहीं बनाया, हम खुद ही बने। अरे इन बच्चों की तो ऐसी की तैसी, कितनी बार कहा है फिर भी नहीं सुनते हैं। कितनी बार कहा है मत खेल, समझता नहीं है तू? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मना करती हूँ ना कि मत खेला कर, क्या छुपा रहा है दिखा मुझे। नहीं है पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ करना नहीं है, जब देखो तब पत्थर से खेलता रहता है। अरे क्या यार शिवा, हम लोग पत्थर ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ वहाँ घूम रहे हो, व्हाट ब्रो? सिद्धांत के पास जाकर आया भाई, वैसे पत्थर मिला क्या? नहीं यार, बस धोया। क्या धोया? पॉटी वॉशिंग वेरी डीपली। हाँ पार्वती बोलो। कल याद है ना? कल क्या है? कल शुक्रवार है, नाटक है, हमारा जीत का दिन है, भूल गए क्या? अच्छा वो याद है, पर जरा रुक कर करते हैं ना पार्वती। वो ही तो, तुम्हारा मुझ पर प्यार कम हो गया। मेरी तो तुम्हें फिक्र ही नहीं है, पता नहीं कहाँ खोए रहते हो, मुझे प्यार ही नहीं करते। क्या करना है, अभी आना है ना? ओके बाय। क्या हुआ यार, पार्वती थी? हाँ। क्या बोला? वही यार नाटक के बारे में। क्या कहा नाटक? अरे भाई नाटक में तोहफे हैं, भाई किसने का रोल बहुत अच्छा करते हैं भाई। अरे चुप करना यार भाई, भाई प्लीज भाई। हाँ भाई प्लीज भाई, नहीं नहीं करो ना, एक बार सुनिए करके दिखाओ ना भाई, प्लीज भाई करो ना भाई एक बार। ठीक है वाह 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 वाह, क्या लग रहे हो भाई यार। भाई भाई अगर कृष्णा ने इस गेटअप में आपको देख लिया ना तो बहुत तारीफ करेंगे आपकी। अरे पूरा तो बजाने दे। अरे भाई एनटीआर के बाद ये गेटअप केवल आप पर ही सूट किया है। ए, इससे पहले ये किसी नाटक में काम करता था, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अरे यार मुझे क्या पता। व्हाट हैपेंड ब्रो, पसंद नहीं आया क्या? पार्वती का फोन है। ओ, तो उठाओ ब्रो। अरे उससे क्या कहूंगा मैं कि मैं इस वक्त। अरे पार्वती हेलो, लेट हो गया। हाँ आ रहा हूँ पार्वती, बस आ रहा हूँ मैं। तुम टाइम पर नहीं आए इसीलिए पिताजी ने राम बाबू से नाटक स्टार्ट करवा दिया, जल्दी आओ ना तुम। हाँ आ रहा हूँ। वैसे तुम्हारी ये हालत देखकर दुनिया में कोई ऐसा होगा जो नाटक करने के लिए मान जाएगा? वैसे भी प्यार में इंसान कुछ भी कर सकता है ना। नाटक में अगर तूने ऐसा बोला ना तो गधे से तेरा सर फोड़ दूंगा। क्या कहा, क्या कहा? मेरे भक्तों के बारे में अनाप शनाप बकते हो? क्यों अग्नि? हमारी आंखों के ताप से जो थर थर कांपते हैं, ऐसे में महिषासुर। स्वामी आपके आने का पता नहीं था। क्यों वायुदेव, हम पे कोई मुसीबत आई इस बात की जानकारी रखना तुम्हारा कर्तव्य है ना? हवा पे छोड़ दिया है क्या? स्वामी हमारा स्वागत करने के लिए, हमारे पैर भिगाने के लिए बारिश की कुछ छींटे बरसाने जितना जान भी नहीं है तुम्हारे वरुण देव के पास। कहाँ है तुम्हारे देवता? आपके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं थी तो भाग गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय हो कृष्ण देवाय। पिताजी आ गए, रुकने को कहो। इस समय नाटक चल रहा है, रुकने को बोलो, जाओ बोलो। लेट क्यों हो गए? मैंने कहा था ना, वैसे कितना समय हो गया स्टार्ट होकर? आधा घंटा बीत गया है। तो फिर हमारा कब होगा? उनका खत्म होने के बाद। अरे ओ दुष्ट मानव। अबे इसकी तो, अबे कौन सी कंपनी है? अभी हमसे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बेस्ट बेस्ट।
ससुर जी, ससुर जी, अच्छा किया ना ससुर जी। दामाद जी, हमारी इज्जत बचा ली आप। अपना आशीर्वाद दीजिए ससुर जी। नमो नमः, नमो नमः वासुदेवाय, नमो नमः, नमो नमः। सुखी रहो, सुखी रहो। क्या भाई, अर्जेंटली बुलाया, क्या बात है? आए, ये नाटक में तो टॉप है, पर इनकी भाषा का क्या? हे प्रभु, आपसे एक मुख्य बात पर चर्चा करनी है। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन सबका प्रिय वो हमारा अर्जुन कहाँ है? अर्जुन, वो देखो, वो आ गया। प्रणाम ओम नंदन नंदना। अभी तुम्हारे बारे में बात कर रहा था, तुम खुद आ गए। वैसे विषय क्या है? वो उन कौरों के पीछे बलराम का हाथ है, ऐसी खबर सुनने में आई है। हाँ प्रभु, उन्होंने जो कहा वो सच है। कौरव लोग, मुझे बस आज्ञा दीजिए, अगर मैंने अपनी गदा से एक खींच के सुनो भीम, गदा छोड़ दो, वो भारी है, बहुत भारी है। अबे रुक बे, पहले उसे अच्छे से पकड़। जल्दबाजी मत करो भीम, आराम से, कृष्ण हमारे पक्ष में ही है। क्या कहते हैं प्रभु? सुखी रहो, सुखी रहो। इस जग के नाटक को चलाने वाले ये माखन चोर जब हमारे साथ है तो कौरवों का क्या? अब दिखाएंगे उन कौरों को कि अब समय पूरी तरह से बदल चुका है और शकुनी मामा की चतुराई भी नहीं चलेगी। अर्जुन, जल्दबाजी के साथ सोच भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं वो शकुनी मामा के माया में स्वयं शकुनी मामा कैसे गिर गए। ओह, बहुत देर हो चुकी है। अरे समय नहीं हमारे पास, हमें जल्दी यहां से चलना होगा। इनके साथ जब मैं मुख्य चर्चा कर रहा हूँ तो इस बात का समय हो रहा है। अरे उधर देखो प्रभु, जरा इन्हें इनके कर्तव्यों के बारे में बताइए। समय नहीं है अर्जुन, ये बेकार की मीटिंग हम बाद में भी कर सकते हैं, चलो यहाँ से। ओह नो, अर्जुन इन्होंने सच कहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, हमें यहाँ से निकलना होगा वरना हम सबकी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। समय समय समय, ये क्या लगा रखा है भाई, नाटक में ये डायलॉग है ही नहीं, व्हाट इज दिस? अरे भाई क्या कर रहे हैं? यस यस यस, वो क्या है ना, नाटक में तो समय लगता ही है, उस समय में पापा जी शाम तक रहते थे तभी तो सब होता था। हालात समझो ना भाई, इसलिए तो शाम हुई तो बच्चे सब मिलकर एक साथ चलते हैं ना, और चलकर। हाँ ठीक है, समझ में आ गया, अब क्या करें? जो कुछ भी करना है वो बाद में करेंगे, और अब मैं चलता हूँ तो मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, चलता हूँ, बाय। शिवा, शिवा। ठीक है भाई, we will discuss later, sorry। रुको। ऐसे असमर्थ को दामाद के रूप में स्वीकार करूँ? कभी नहीं, अब वही होगा जो मैं कहूंगा। आपने सही कहा ससुर जी, बिल्कुल सही कहा। तो क्या अब नागराज ससुर जी के सामने ही नाटक करेंगे? वो भी राम बाबू के सामने, धोती गीली हो गई होगी उनकी। उस समय तुम जिस रूप में रहोगे जीवन भर उसी रूप में रहोगे। सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अरे बुला रही हूँ फिर भी नहीं सुन रहे। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? आराम से। ओ रामेश्वरी आंटी, थोड़ी मदद करो। हाँ हाँ आ रही हूँ, आ रही हूँ। क्या हुआ, इन्हें यहाँ बिठाओ, आराम से आराम से। बैठ जाइए आराम से, कहा ना अच्छे से बैठाओ आराम से। अरे जल्दी जाके सोडा लेके आना, जल्दी जा। ये लीजिए। इसको पी लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। आप किस गांव से हैं? यहीं पर पड़ोस वाले गांव से। नाम क्या है आपका? शिवा। अच्छा शिवा।
अब नाम सुनकर तुम्हारा मुंह क्यों उतर गया? अरे उसकी हरकतों के कारण, उसकी बात करके मूड क्यों खराब करें? जाने दो। लेकिन जानकी माँ कहती कि उसकी गलती नहीं है और तुम कहती हो कि सारी गलती उसी की है। उसकी कोई गलती नहीं है क्या? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। देखो मेरी बात सुनो, तुम ही बताओ उसकी कोई गलती है या नहीं। वहाँ बैठी है जानकी देवी, उसके बेटे का नाम है शिवा, तुम्हारा ही नाम है। उसको बचपन में कोई रोग हुआ था, क्या हुआ ये नहीं पता चल रहा था, तो घर की सारी जायदाद सब कुछ बेचकर हर अस्पताल में घूमी थी जानकी देवी। बच्चा बड़ा हो गया और साथ साथ उसका रोग भी बढ़ गया। तभी बड़े अस्पताल वाले डॉक्टर साहब ने कहा कि ऑपरेशन करना होगा, जितनी जल्दी करेंगे उतना अच्छा होगा, वरना बच्चा नहीं जी पाएगा, 10 लाख का खर्चा आएगा, ऐसा कहा। समझ ही नहीं आया कि क्या करें। और करते भी क्या, बच्चे से प्यार करते थे, जो खेत जायदाद थी वो सब बेच दिया और बच्चे का ऑपरेशन करवाया। आखिर में रोग तो चला गया लेकिन कर्जा बढ़ गया। बेचारे शरीफों की जिंदगी जी रहे थे वो, कर्जदारों की बातें सुन नहीं पाए, इसलिए जानकी देवी के पति ने फांसी लगा ली। बच्चा घर पर रहेगा तो घर पर भूखा रह जाएगा, इसलिए सरकारी हॉस्टल में बात करके उसे 2 वक्त का खाना खिलाया। उसके लिए बहुत कष्ट उठाए थे, किताब बैग कपड़े कॉपी सब खरीद के दिया उस हरामखोर के लिए, और वो इसकी बात, उसकी बात सुनकर। मेरे पिता ने अय्याशी करने के लिए कर्जा लिया और फांसी लगा ली, सबकी तरह मेरी जिंदगी क्यों नहीं है, दूसरों ने मेरा पालन पोषण क्यों किया, ये सारी बातें सुनाकर जब वो बड़ा हो गया, उसके बाद जानकी देवी को अकेला छोड़कर चला गया। क्या हो गया? कुछ नहीं, थोड़ा काम है। थोड़ा आराम करके जाइए ना। अब ऐसे अच्छा ही हुआ, लग रहा है थोड़ा दिल का बोझ उतर गया है। सोडा पी लिया ना? अरे चाचा जी, हा? आपने तो कुछ बताया नहीं, इस शिवा की गलती है या नहीं? सच कहूं तो गलती है, उस शिवा की गलती है। ये शांता माँ को दो। रामेश्वरी। हाँ? आ गया तू? वैसे तुझे तो बहुत काम था ना? रामेश्वरी। हाँ? तो क्षमा मांगने के लिए भी मुझे खुद पर घिन आ रही है। क्या हुआ बेटा? हाँ रामेश्वरी, गलती हो गई, जिसकी माफी नहीं है ऐसी गलती की है। पलकों पर जिस माँ को बिठाना चाहिए था उसे मैंने रुलाया है। शांत हो जाओ, रो मत, कभी ना कभी तुम लौट आओगे, इस बात का भरोसा था, और आज वो बात सच हो गई। माँ मुझसे बात करेगी क्या रामेश्वरी? पागल कहीं का, बच्चों का क्या है, माँ पर गुस्सा करते हैं, नाराज होते हैं, फिर भी माँ के लिए हमेशा लाडले होते हैं। रुको रुको, जानकी देवी, तुम्हारा बेटा आ गया, कह रहा है तुम्हें लेने आया है। मुझे क्षमा कर दो माँ, मैंने जो गलती की है उसके लिए माफी भी नहीं मांग सकता। पलकों पर बिठा कर रखना चाहिए था तुम्हें, लेकिन तुम्हें कनाथ की तरह यहाँ पर रखा। उठ जा बेटा। क्या हुआ बेटा? अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा माँ, मैंने कितना बड़ा पाप किया है मुझे समझ में आ गया। माँ को छोड़ दिया, भगवान को भूल गया, मेरा ये पाप ही श्राप में बदल गया होगा जो मेरे साथ ये हो रहा है। क्या बात है बेटा, तुम कुछ छुपा रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई डर दिखाई दे रहा है, असल में क्या बात है बेटा? जब खुद शिवजी तुम्हारे साथ हैं, तो तुम्हें किस बात का डर? पार्वती, पार्वती, सपना था।
क्यों शिवा, इतना लेट क्यों आए? छोटा सा काम था। कुछ बताना है कह रहे थे? वो देखो, ये वो कहकर शुरू मत करो, मुझे गुस्सा आता है। पार्वती, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हें देखते देखते दिन यूं ही बीत जाता है, तुम मेरे दिल का टुकड़ा हो। ये रुक जाए तो मैं शायद थोड़ी देर के लिए जिंदा रहूंगा, पर तुम्हारे बिना मेरी जान चली जाएगी। वाह, कितने अच्छे से कहा, पर ये सब कह क्यों रहे हो तुम? वो इसलिए कि वो क्या शिवा, क्या कह रहे हो? सीधे सीधे कहो ना, हिचकिचा क्यों रहे हो? कैसे कहूं? बताओ। प्यार करना मतलब समस्या को बांटना। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम? पार्वती, असल में हुआ यूं कि पगली कहीं के एकदम पागल हो, इसके लिए इतना सोच रहे थे? अरे यार, तो इतना ही ना? और इसीलिए तुम नाटक के वक्त चले गए थे ना? अच्छा, अब क्या दिक्कत है? पत्थर ढूंढकर अभिषेक करके तीर्थ की अगर सेवा करें तो सब सही हो जाएगा। करेक्ट है, पर अगर मिला नहीं तो क्या होगा? क्यों नहीं मिलेगा शिवा, मेरी सास का आशीर्वाद है, वो शिव जी की मूर्ति हमें जरूर मिल जाएगी। अरे ये फोन क्यों कट कर रहा है? इसकी तो अरे क्या ये टकला बार बार फोन कर रहा है, गेम भी नहीं खेलने दे रहा है। अरे वो वैसे ही करता है, तुम गेम खेलो भाई। क्या करने के लिए कहा था और क्या कर रहे हो भाई? वो मूर्ति जब से हमारे पास आई है तब से कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। अरे गया हुआ लिंगा भाई अब तक नहीं आया और अब मेरे साथ ये हो गया, और वहां पर मणि भाई हमारे पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए मूर्ति जल्दी मिल गई ना तो उसको उसकी जगह पर भेजना अच्छा होगा, ऐसे ढूंढेंगे तो नहीं मिल पाएगी, इसलिए थोड़ा जल्दी ढूंढना होगा। हाँ भाई, चलो भाई, चलो चलो आ जाओ रे। चलो। अरे दिमाग नहीं है क्या तुम लोगों को? एक गोल पत्थर के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो तुम लोग? हैं? तो फिर कैसे ढूंढे? कैसे भी ढूंढ लिया, मिल ही नहीं रहा है। सर आप बहुत बोल रहे हैं, आप यहाँ होते तो पता चलता। अरे शिवा, हाँ? ऐसे ढूंढने से नहीं मिलेगा। तो फिर इसको ढूंढने के लिए किसी ज्ञानी के पास जाना होगा। ज्ञानी? हाँ, हमारे अंजनपुर में एक बहुत बड़ा ज्ञानी है, इस समस्या का जल्दी समाधान निकालेगा। आता है मुझको मजा आता है जब क्वार्टर पीता हूँ, एक क्वार्टर में मुझको तो नशे चढ़ता है। कहाँ जा रहा है ऐसे झूमते हुए? अरे पिछले साल जो लड़की कमाल करके गई थी ना, वही लड़की फिर वापस आई है। छोड़ो, तुम्हें उससे क्या लेना देना है, तू चल रहे। वाह, पिछले साल तो क्या हम लोगों ने एंजॉय किया था ना। महिमाशाली मूर्ति है, महाशिव जी की मूर्ति है। हाँ स्वामी जी, उसे ही ढूंढने आए हैं। ईशान कोण, पुरातन शिव जी का मंदिर, पीपल के पेड़ के नीचे। वैसे आसपास शिव के मंदिर तो बहुत सारे हैं स्वामी जी, पर हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही दिन है, इसलिए हम आप पर भरोसा करके यहाँ आए हैं। आप ही कोई रास्ता दिखाइए स्वामी जी। ताला। ये क्या है स्वामी जी? मूर्ति इसी से मिलेगी,
ब्रिटिश के समय में शिवजी के बहुत से मंदिर टूटे। उसका भुगतान करने वाला एक राजा था। गड़ी हुई मूर्ति ढूंढने के लिए उसने इस यंत्र को तैयार करवाया। 4 कदम की दूरी पर शक्तिशाली मूर्ति होगी तो इस यंत्र में से एक आवाज आएगी। ठीक है स्वामी जी, आपका आशीर्वाद मिला बस उतना ही काफी। शुभ हो तुम्हारा। अरे शिवा, क्या सोच रहा है तू? वही भाई, पुरातन शिवजी का मंदिर कहां पर होगा? शिवा? पार्वती, तुम अचानक से यहां पर? कल सुबह 5:45 पर उस राम बाबू के साथ शादी फिक्स कर दी है नागराज ने। शादी? ये क्या भाई, जब खुशी आने का वक्त हो गया है तो दुख मंडरा रहा है। वैसे भी तुम्हारे पिता को इतनी क्या जल्दी? हाँ? तुम्हारे साथ इतनी बार देखकर भी वो मान ही नहीं रहे हैं। हकलाए बिना हर वक्त जो डायलॉग बोल ही नहीं सकता है वो मेरा दामाद किसी कीमत पे नहीं हो सकता। वैसे शादी कहाँ है? कारसेला कोटा के शिव जी के मंदिर में। कासरेला, कासरेला कोटा। अरे शिवा, हमारे आस पास ही बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है, मेरी दादी कहा करती थी। पार्वती तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हें मंगलसूत्र मैं ही बांधूंगा। सच कह रहे हो ना? देखो पार्वती, तुम चिंता मत करो, हम लोग देख लेंगे। क्यों रे, इस गेटअप में कैसा लग रहा हूँ? काले कृष्ण जैसे लग रहे हो। कृष्ण तो है ही काले, उन्हें काला कृष्ण क्यों कह रहा है बे? चल नजर का टीका लगा। लेकिन टीका दिखाई नहीं देगा। चल निकल, शादी के बहुत सारे काम है, जाके कर। चल निकल निकल, आ जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से। सच्ची बोलो फिर तुझे क्यों? चल निकल, बकवास मत कर। क्यों रहा है? कोयले से दांत तो सफेद हो जाते हैं पर कोयला कभी साफ होता है क्या? हाँ सही कहा। ये बात इसे कौन समझाए? पागल है ये। एक्सक्यूज मी, यस, यहाँ दूल्हे का रूम कहाँ पर है? किस लिए? एक्चुअली मैं ना एक ब्यूटीफुल ब्यूटिशियन हूँ। मतलब? मतलब मैं कौवे को हंस बना सकती हूँ। हाँ हाँ समझ गया। हाँ। वो कौवा अंदर बैठा, जाओ। What? अरे इसने कहा कौवा अंदर ही है, जाओ। थैंक यू जेंटलमैन। ये तो टेढ़ा लग रहा है। हाँ भाई, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। एक्सक्यूज मी, मैं आई कम इन? कम इन? वाओ, ब्यूटीफुल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यू काला जुगनू। थैंक यू आप ब्यूटीशियन बुम्मा। व्हाट अ नाइस नेम। या बट यहाँ पे वाई? पता चला था कि इस गांव में एक सुंदर इंसान की शादी है, उसका मेकअप मुझे ही करना है। मेरे ब्यूटी टिप्स से उसको और ब्यूटीफुल बना दूंगी। मैं यहाँ आ गई, आप ही हो क्या वो सुंदर आदमी? Yeah, of course. But I'm not looking like that. No, मैंने जो एक्सपेक्ट किया था आप उससे ज्यादा सुंदर हो। It's my pleasure. बम्बा, आप तो इंग्लिश में बजा रहे हैं। You know, speaking English is my habit, baby. Oh, what a ग्रेट हॉबी। अब स्टार्ट करें क्या? रेडी? नो, ओनली मेकअप। मेकअप, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। वाओ, मेकअप करते करते मुझसे मिलती ही रहना है। वाओ, आपकी सुंदरता को कहीं नजर ना लग जाए। ऐसा क्या है, इतना सुंदर लग रहा हूँ? देखो बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच। ओके, फिर मैं चलती हूँ। ए बेबी, व्हाट, मेरी सुहाग रात में भी आ जाना। यू नॉटी, मेरे बिना कैसे होगी सुहागरात? हाँ? आ जाओ, सुहागरात पे जरूर आना। सुहागरात? बाप रे, क्या आदमी है ये।
लगता है थोड़ा ओवर कर दिया। अरे यहाँ तो छुट्टी क्या बेबी, जरा इधर आ। व्हाट? अरे आओ ना। व्हाई? अरे अंदर तो आओ। ड्रामा शुरू हो गया। सही कहा। अरे जल्दी आओ। बाप रे, अब क्या होगा? वही होगा। What happened, baby? खुजली हो रही है baby. It's working. Working? Working मतलब? ये एक ब्यूटी किट है। इस समय पे अगर आइस रगड़ेंगे तो फुल ग्लो आएगा। कैसे आ जाएगा? I will manage. जल्दी जल्दी लगाओ। उन्हें पूछेंगे तो पता चलेगा क्या? आइए। हाँ वही मेरे ससुर जी। One minute. अंकल, अंकल, अंकल। कौन हो तुम? I am baby, beautician बुम्मा। अंकल, वो दूल्हे को ना आइस चाहिए। आइस? किस लिए? अंकल, अब मैं कैसे बताऊँ आपको? बोल्ड मूवी नहीं देखी क्या आपने? लेकिन मुझे पता नहीं चलेगा तो कैसे दूंगा? आइस कहाँ है देखना पड़ेगा। मुझे पता है, मुझे पता है। उसके बाद क्या होगा? यू नॉटी हीरो, उसमें आइस क्यों लगाता है बताओ? वो तो मुझे पता है, पर कैसे बताऊँ? शर्म आ रही है। बताने की जरूरत नहीं है, पता है। ठीक है, इसलिए। अच्छा, इसलिए में ये सब चल क्या रहा है? इसीलिए, इसलिए चाहिए। अच्छा, सच में? हाँ। राम बाबू, राम बाबू। क्या हुआ? कह रहे हैं आइस नहीं है यहाँ पर। ससुर जी, थोड़ा आइस भेज दीजिए ना ससुर जी, मुझे बहुत खुजली हो रही है। अब तू अंदर आ, चल जल्दी अंदर आ। अरे आनो बम्बा, आधा मिनट भी नहीं रुक पाता है। अंकल, मैं चलती हूँ। अरे, और अभी कितना टाइम लगेगा? कब से ढूंढ रहे हैं हम लोग उसे? भैया, स्वामी जी ने कहा था ईशान कोण की तरफ पहाड़ों पर यही जगह है, पर उन्होंने जो जगह बताई थी उसे ढूंढना होगा। बस इतना ही ना? और कोई रास्ता नहीं है भैया। अरे तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो ढूंढो इसे। अच्छा, वैसे भी सुहाग रात के लिए हमें भी तो कुछ करना चाहिए। करना चाहिए वो तो ठीक है, पर तूने प्यार शिवा से किया और शादी रामबाबू से कर रही है, तू पागल हो गई है क्या? अब ऐसा भला कहाँ होता है? अब क्या कर सकते हैं? मैंने तो प्यार किया है शिवा से, मांग भी शिवा ही भरेगा, मंगलसूत्र भी उसके नाम का। वो अजीब सी शक्ल वाला, वो कभी मेरा पति नहीं बन सकता है। हाँ, पर अभी तो शादी होने वाली है ना। मुहूर्त का वक्त 3 बजे से पहले है। मुझसे प्यार किया है उसने, कैसे छोड़ देगा वो? आराम से, आराम से। अरे संभल के, अभी तो तुम गिर जाते। देखो नीचे। ठीक है भैया। क्या ढूंढ रहे हो भाई? जोकर ढूंढ रहा हूँ भाई। ए, ऑलरेडी जोकर मुझे मिल चुका है। ओ, मुझे तो रानी चाहिए। वो देखो आ गई रानी। अरे रे 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 रे। क्यों मैडम, अंगड़ाई ले रही हो? क्या बात है? बम्बा, दूल्हा बहुत नॉटी है। अच्छा, पकड़ के छोड़ता ही नहीं है। ब्रो, कल सुबह मुझे कुछ करना है। मिस बम्मा, तुम ठीक तो हो ना? कहीं उस राम बाबू के बारे में तो नहीं सोच रही? यू नॉटी। नहीं राम बाबू, बाबा। मतलब कि अंदर तुम और राम बाबू? बम्बा, हम दोनों को कोई छुड़ा ना पाए ऐसा फेविकॉल जोड़ है। तो फिर शादी का क्या हुआ बेबी? मैंने वही कहा। तो फिर उसने कहा शादी सिर्फ 4 लोगों के लिए और बिस्तर तुम्हारे लिए। दीदी। हाँ। जरा देखो तो क्या हो रहा है अब। अरे क्या हो रहा है? वही वही तो कह रही थी ना कि फेविकुल का जोड़ है वो। तो नागराज भैया तो अपने बेटे के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब देखो ना किस लड़के के साथ उसकी शादी करा रहे। छोड़ो, जाने दो, हमें क्या लेना देना। सही कहा। जरा टॉर्च दिखा। लगता है सांप है भाई। हे, अरे होगा कोई छोटा सा सांप। अरे उसे मसल के फेंक दूंगा मैं। अरे डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
बापरे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। अगर ये शादी हो गई तो मेरा वंश मेरे नाटक का क्या होगा? इससे अच्छा तो उस शिव से ही शादी हो जाए। अगर ये शादी हो गई तो अनर्थ हो जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधार। क्या हुआ ससुर जी? क्या हुआ? लगता है काम हो गया भाई। क्या हो गया ससुर जी? ए, कौन है तेरा ससुर? तेरी हरकतों को मैं जानता हूँ। कौन सी हरकत की बात कर रहे हैं ससुर जी? उनके पास संगीत है, इतना करोगे तो नाटक ही लगेगा। ससुर जी, क्या कहा ससुर जी? मैं नाटक कर रहा हूँ। अब तुम मेरी परफॉर्मेंस देखो। मैं अपने मुंह से क्या बताऊं? ए, बताओ इसे। भाई तुम बताओ ना। ये है। अरे कमीने कहीं के, इसकी जिंदगी बर्बाद करेगा। तुम्हारे टैलेंट के बारे में मुझे पता था, तुम ऐसे ही आदमी हो। ए, क्या बकवास कर रहे तू? कौन है ये? शेर हूँ मैं, शेर। शेर जैसा आदमी खड़ा और ये बोल रहे हो? ए, मुंह बंद कर। तू किस तरह का आदमी है ये यहाँ सबको पता है। ए, मैं क्या हूँ अभी तुम लोगों को बताता हूँ। अच्छा? रुको जरा। अरे सुनती हो डार्लिंग, इसे बताओ मैं कितना बड़ा मर्द हूँ। मैं तो पकड़ी गई। अरे ओ मलक पेट की मंदाकिनी, क्या स्वर्ग के दर्शन करवाए हैं? बताओ मेरे ससुर जी को। लगता है इज्जत उतार देगा। अरे ओ शीलावती गुणावती, मेरी मर्दानगी के बारे में बताओ इन्हें। अच्छा, यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, इसे तुम्हारा नाम कैसे पता? अरे कार्ड पे नाम छपा होगा तभी तो उसे पता है। बस ओहो ऐसा है, फिर भी मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। अरे कोई तो बताओ ना, सबके मुंह बंद हो गए क्या? ये मुंह में दही जमा रखा है, कुछ बोलते क्यों नहीं? बताओ ना। ए जरा इधर आ रे, इधर आ, इधर दे। इस फोन से अपनी वीडियो बना के दिखाता हूँ, तब सबको यकीन होगा। हट जा मैं सामने से, मुझे गे बोल रहे हैं। अभी दिखाता हूँ कितना बड़ा मर्द हूँ। चल अंदर चल। ए, चल क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? आपने मुझे गे बोला ना, आपकी बेटी को लेके जा रहा हूँ। आप कल सुबह अपनी बेटी से खुद ही पूछ लीजिए कितना बड़ा मर्द हूँ। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। चल चल, ये बोलता है मुझे। देखो अपना हीरो आ गया। तेरी इतनी हिम्मत और इतनी जुर्रत, पतिव्रता हमारे आस पड़ोस की आंटियों पर, इस पवित्र प्रदेश पर अपवित्र आरोप लगाते हो। अपनी महंगी साड़ी और जेवर का दिखावा करने की आशा से यहाँ पर आई हुई औरतों को, उनके सामने हम खुश रहे ये सोचकर आने वाली को, इन बुजुर्गों के सामने, इस शादी में जाएंगे तो चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, कीमा और रोटी मिलेगी, उस उम्मीद से आए हुए इन युवकों के सामने, पंच तत्वों के सामने, पक्षवाद को भी मात देने वाले ढोल नगाड़े शहनाइयों के बीच में एक स्त्री को घसीट कर लेकर जा रहे हो। ये देखो, नाटक की दुनिया के नटराज, भयंकर नाटकों का भी नाटकीय रूपांतर करने वाले श्री बुजुर्ग नागराज जी के साथ कितने बेरहम बन रहे हो, कितनी बदतमीजी से पेश आ रहे हो तुम।
इनका नाटक देखकर मेरे लोग भी ताली बजाते हैं और अपने नाटक से ये पर्वतों को भी हिला देते हैं। भव्य नाटक, काव्य नाटक, पुरुषोत्तम नाटक, प्रयोध्यम नाटक, अपने विविध नाटकों से नाटक के विश्व को उजाला देने वाले इस वीर को चीप लिखकर पीने वालों से इनकी तुलना करते हो क्या? नीच, ए छोड़ दो इसे वरना। ये परियों से भी खूबसूरत परी, जिसके सामने स्वर्ग की हूरें भी नतमस्तक हो, ऐसी सुंदरी को, गुड़िया को, मेरी होने वाली अर्धांगिनी को तूने छूने की कोशिश की, वो भी मेरी अर्धांगिनी को। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे हाथ मेरी अर्धांगिनी को लगाने की? वैसे भी बिना उजाले के बल्ब के साथ मैं क्या बात करूं। छाती चौड़ी करके ये देखो कह रहे थे, ये देख कर ही ना। मेरा सबूत, मेरा सबूत है उसमें, मेरा सबूत है। क्या करेगा, आया तू पूजा में काम ना आने वाला फूल है, ये पता चल गया ना। यहाँ पर मौजूद मर्दों, ये आदमी अजीब अजीब उल्टी सीधी हरकतें करने वाला फल है या नहीं, ये बताओ। है। देखा ना, बेकार में मुझ पर शक कर रहे थे। मेरी दीदी बहुत अच्छी है। मेरी बीवी जी, मेरी साली जी, मैं ना थोड़ा सा डर गया था। पवित्र महिलाओं पर इल्जाम लगाकर उनके परिवार में आग लगाते हो क्या? ऐसे बिना इंक की रिफिल का क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। बहिष्कार। हाँ, बहिष्कार। करना चाहिए, करना चाहिए। चल मर गया। बाप रे, क्या दिन आ गए, बार बार की पीठ लाल कर दी इसकी तो। पहले मुझे दामाद बना रहे थे, फिर टिश्यू पेपर की तरह उठा के बाहर फेंक दिया। बाप रे। डार्लिंग, मुझसे नाराज मत होना डार्लिंग, ये सब जो लोग बोल रहे हैं ना, सबका सब झूठ है, मैं तो बहुत परफेक्ट हूँ डार्लिंग। शिवा, मूर्ति कैसे मिली तुम्हें? इसकी तो दिखता नहीं है तुझे। आयुष्मान हो, तुम कौन हो ये जाने बिना तुम्हें गलत समझ लिया, मुझे माफ कर दो। अरे कुछ नहीं ससुर जी, आपस में चलता ही नहीं रहता। दामाद जी, अब से हमारे नाटक के आप ही वारिस हो। फिर से नाटक?
ए शिव जी क्या करूं, आपको सरकार के हवाले करना पड़ रहा है। ये लीजिए सर। नमस्ते। नमस्ते मणि भाई। ओ मणि भाई, पास के गांव में गणपति जी की मूर्ति मिली है। हा? चल भाग निकल।